नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन रोली हलहला मंडेला। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षक के इस सत्र में हम लोग क्लास टेंथ के प्रोज के सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको नेल्सन रोली हलहला मंडेला ने लिखा है, के सेकेंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिए। आइए देखें ये भाषण में और क्या बताए। कहा, वी हुवर आउट लास्ट नॉट सो लॉन्ग अगो, हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे। हुवर आउट लास्ट नॉट सो लॉन्ग अगो, हैव टूडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, आज हमें अपने संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर, रेयर अवसर प्राप्त हुआ है, दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड नेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पजेशन विथ द पीपुल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, अ पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड विशिष्ट इंटरनेशनल गेस्ट्स अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जो आए हैं विद द पीपुल लोगों के साथ, आप आवर कंट्री हमारे देश के लोगों के साथ, आप फॉट ईच आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, कहा कि एक विजय को अपनाने के लिए, एक साधारण सर्वसाधारण विजय, न्याय की विजय को अपनाने के लिए आए, फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, शांति और मानव शान के लिए, मानवीय शान के लिए। ह्यूमन मीन्स मानव, डिग्निटी मीन्स शान। तो कहा जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हैं, सम्मान दर्शाने के लिए हमारे अपने लोगों के साथ, न्याय और शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन, वी प्लेस्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हमने at last अंत में achieved our political emancipation, अंत में अपनी राजनैतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। political emancipation, राजनैतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। कहा वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्व्स, हम स्वयं की, टू लिबरेट, लिबरेट मुक्त करना, ऑल आवर पीपल, हम अपने लोगों को, अपने सभी लोगों को मुक्त करने की शपथ लेते हैं फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो निरंतर बॉन्डेज बंधन, पॉवर्टी गरीबी, डिप्राइवेशन,
अभाव सफरिंग कष्ट दुख जेंडर लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और जो अन्य भेदभावों से ग्रसित थे से मुक्त कराने की शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। कहा अब इस धरती पर एक दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी नहीं होगा। नेवर नेवर एंड नेवर और कभी नहीं होगा। क्या शैल इट बी यह नहीं होगा दैट दिस ब्यूटीफुल की इस सुंदर धरती पर ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस की पुनः इस तरह का अनुभव लेना पड़े द प्रेशन ऑफ वन बाई अनदर कि एक का दूसरे के द्वारा शोषण किया जाए ऐसा इस धरती पर इस सुंदर धरती पर अब कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो कहा इतनी शानदार सो ग्लोरियस इतनी शानदार ह्यूमन अचीवमेंट मानवीय उपलब्धि का जो सन है सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका परमात्मा अफ्रीका को वरदान दो। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर कुछ क्षणों के बाद वी आर लिफ्टेड आवर आईज इन एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। तो कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी आँखें भय के साथ ऊपर उठाई। आ मिस फियर भय एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स क्योंकि साउथ अफ्रीकन जेट दक्षिणी अफ्रीकन जेट हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स और लड़ाकू विमान ट्रूप कैरियर्स मीन्स लड़ाकू विमान रोड ने दहार लगाई इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर तो कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें भय के साथ ऊपर उठाई क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिणी अफ्रीकन जेट हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड अ मिलिट्री फोर्स यह न केवल एक एकदम सही तालमेल पिन पॉइंट एकदम सही तालमेल प्रेसिजन एंड अ मिलिट्री फोर्स और फौज शक्ति का प्रदर्शन था बट अ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी बल्कि फौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति एक वफादारी थी लॉयल्टी थी टू अ न्यू गवर्नमेंट एक नई गवर्नमेंट नई सरकार दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी वफादारी का प्रदर्शन था। ये ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस दियर चेस्ट्स बी बेडक्ड विथ रिबन्स एंड मेटल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी। तो कुछ ही क्षण पहले दक्षिणी अफ्रीकन सुरक्षा बल एवं पुलिस बल के उच्चतम जनरलों ने जिनकी छातियां
रियर चेस्ट, जिनके सीने, जिनकी छातियाँ बेडक्ड सजी थी विथ रिबन्स, रिबन से, फीतों से, एंड मेडल्स और मेडलों से सजी हुई थी। फ्रॉम डेज बाई गॉन, कहा सेल्यूटेड मी, मुझे सेल्यूट किया, सेल्यूट किया, एंड प्लेस दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं भूला नहीं था, अर्थात मुझे याद था जो वास्तविकता थी, दैट की दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कई साल पहले, कुछ साल पहले, कई साल पहले नहीं बल्कि कुछ ही साल पहले, दे फाउंड नॉट हैव सल्यूटेड, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, ये सल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया गया था कुछ ही साल पहले, नॉट लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले नहीं, कुछ ही साल पहले, नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कुछ ही साल पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड मी, वे मुझे सल्यूट नहीं किए थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे अरेस्ट किए थे। फाइनली अ क्योरान ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिणी अफ्रीका के ये क्योरान ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक, धुआं छोड़ा, ट्रेल पीछे, विमानों ने अपने पीछे धुआं छोड़ा, ऑफ द ब्लैक, काला, रेड, लाल, ग्रीन, हरा, ब्लू, नीला, एंड गोल्ड, और सुनहरे रंग का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो कहा अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिणी अफ्रीका के नए झंडे, वी के आकार वाले नए झंडे के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। द डे वॉज सिंबलाइज्ड मीन्स प्रतीक, द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, तो हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन एक प्रतीक बन गया था। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी, ये दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, तो दो राष्ट्रीय, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, एंथम मीन्स गायन, राष्ट्रीय गीत, तो दो राष्ट्रीय गीत का गायन हुआ, और ये मंडेला जी के लिए एक प्रतीक बन गया। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और श्वेतों का जो स्वप्न था, विजन्स ऑफ वाइट सिंगिंग, श्वेत लोग जो गा रहे थे, कोसी सिकेलेले अफ्रीका, तो जो अश्वेत लोग, सॉरी, जो श्वेत लोग थे, गोरे लोग थे, वे नेशनल एंथम कोसी सिकेलेले अफ्रीका गा रहे थे, एंड ब्लैक्स और काले लोग, अश्वेत लोग सिंगिंग डाई स्टेम, ये दो जो इटैलिस्ड में लिखा है, दो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान ये गाए गए थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो रिपब्लिक का, गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द
the anthem they once despised. यद्यप उस दिन दोनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान का सही लय नहीं जानता था. Although that day neither group, दोनों में से कोई भी group, knew the lyrics of the anthem, उस राष्ट्रगान के लिरिक्स लय को नहीं जानता था. They enforced despised, जिससे वे दोनों नफरत करते थे. They would soon know the words by heart, शीघ्र ही इसके शब्दों को वे by heart दिलों में याद कर लेंगे, जबानी याद कर लेंगे अर्थात दिलों में याद कर लेंगे. Thanks for watching.